हेलो स्टूडेंट्स, पेश है एक नई सीरीज, टेस्ट एंड मेजरमेंट सीरीज पार्ट वन। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर वन, JCR टेस्ट किसने बनाया था? ऑप्शन है हमारे ए बर्नेट ई फिलिप, बी ग्रेनविल जॉनसन या सी शंकर बासु। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बर्नेट ई फिलिप। क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से JCR टेस्ट में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है हमारे ए जंप या जंपिंग, बी चिनिंग, सी शटल रन या डी जिगजैग रन, जिगजैग दौड़। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिगजैग दौड़। JCR टेस्ट में शामिल नहीं होता है, उसमें ये तीन होते हैं जंप, चिनिंग एंड शटल रन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, JCR टेस्ट निम्न में से क्या मापता है? ऑप्शन है हमारे ए मोटर फिटनेस, बी स्किल, सी एंड्योरेंस। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोटर फिटनेस। क्वेश्चन नंबर फोर, बैरोगामक योग्यता परीक्षण में कितने आइटम शामिल रहते हैं? ऑप्शन है हमारे ए 5 टेस्ट, बी 3 टेस्ट, सी 4 टेस्ट या ऑप्शन डी 6 टेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से पैरोगामक टेस्ट में क्या शामिल नहीं है? नंबर ऑप्शन ए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, बी शटल रन, सी मेडिसिन फुटबॉल बॉल पुट या डी जिगजैग दौड़। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शटल रन। बैरोगामक टेस्ट में यह शामिल नहीं होता है, उसमें तीन होते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल पुट और जिगजैग दौड़। क्वेश्चन नंबर 6, बैरोगामक योग्यता परीक्षण में लड़कों के लिए मेडिसिन बॉल का वजन कितना होता है? ऑप्शन है हमारे ए 1 kg, बी 2 kg, सी 3 kg या डी 4 kg। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 kg। क्वेश्चन नंबर 7, बैरोगामक योग्यता परीक्षण में लड़कियों के लिए मेडिसिन बॉल का भार कितना होता है? ऑप्शन है हमारे ए 1 kg, बी 2 kg, सी 3 kg या डी 4 kg। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 kg। क्वेश्चन नंबर 8, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से निम्न में से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है हमारे ए सहनशीलता, बी विस्फोटक शक्ति, सी गति। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विस्फोटक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेंच कूपर टेस्ट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे ए टेनिस से, बी फुटबॉल से, सी वॉलीबॉल से, डी क्रिकेट से। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वॉलीबॉल से, यानी फ्रेंच कूपर टेस्ट वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, यो टेस्ट किसने विकसित किया था? ऑप्शन हमारे ए शंकर बासु, बी जेम्स बैंक्सबो, सी जॉनसन ने। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स बैंक्सबो, ये डेनमार्क के एक फुटबॉलर थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में यो टेस्ट के जनक कौन हैं? ऑप्शन है हमारे ए हरिहरन, बी शंकर बासु, सी तिरुनारायण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शंकर बासु। क्वेश्चन नंबर 12, यो टेस्ट को किस खेल के लिए बनाया गया था? ऑप्शन है हमारे ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी वॉलीबॉल। तो उसको फुटबॉल के लिए बनाया गया था, क्योंकि वह एक खुद फुटबॉलर थे। क्वेश्चन नंबर 13, यो टेस्ट से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है हमारा ए स्टेमिना, बी फिटनेस, सी ए और बी दोनों। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी स्टेमिना भी मापा जाता है और फिटनेस भी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14,
यो टेस्ट को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे ए बीप टेस्ट, बी डायरा टेस्ट, सी लीची टेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीप टेस्ट। इसको ब्लीप भी कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। क्वेश्चन नंबर 15। स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन हमारा ए डंबल, बी हर्डल्स, सी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या डी बास्केटबॉल थ्रो। तो इसका सही आंसर होगा ए डंबल शामिल नहीं होता है स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट में। अगर इसमें आ रहा है खुद ये मोटर एबिलिटी टेस्ट है, अगर पूछा जाए स्कॉट एबिलिटी टेस्ट कैसा टेस्ट होता तो मोटर एबिलिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16। मांसपेशी शक्ति को किस टेस्ट द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए यो टेस्ट द्वारा, बी रोजर्स परीक्षण द्वारा, सी नॉक्स टेस्ट द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी रोजर्स परीक्षण द्वारा मांसपेशी शक्ति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। शक्ति मापन या वर्टिकल जंप का निर्माण किसने किया? ऑप्शन हमारे ए रोजर्स ने, बी हिचकॉक ने, सी सार्जेंट ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सार्जेंट ने शक्ति मापन यानी वर्टिकल जंप का निर्माण किया था। इसको सार्जेंट जंप भी कहते हैं, वर्टिकल जंप को सार्जेंट जंप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कोरस बेबर फिटनेस टेस्ट निम्न में से क्या मापता है? ऑप्शन हमारे ए न्यूनतम मांसपेशी क्षमता, बी विस्फोटक शक्ति, सी सहनशीलता। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए न्यूनतम मांसपेशीय क्षमता को कोरस बेबर फिटनेस टेस्ट मापता है। क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर के आकार व अनुपात को मापने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन हमारे ए मापन, बी एंथ्रोपोमेट्री, सी डायनमोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंथ्रोपोमेट्री। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि यह आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। एंथ्रोपोमेट्री के पिता कहे जाते हैं? ऑप्शन है हमारे ए सार्जेंट, बी कंपर्टन, सी अल्फोंस बर्टिलन। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अल्फोंस बर्टिलन एंथ्रोपोमेट्री के पिता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। शारीरिक शिक्षा में एंथ्रोपोमेट्री का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है हमारे ए डॉक्टर हिचकॉक, बी ग्रेनविल जॉनसन, सी कंपर्टन। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिचकॉक ने, डॉक्टर हिचकॉक ने सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 22। रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट निम्न में से क्या मापता है? ऑप्शन है हमारे ए मोटर फिटनेस, बी शारीरिक स्वास्थ्य, सी ताकत। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शारीरिक स्वास्थ्य को मापता है। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छे परीक्षण का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन हमारे ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी सब्जेक्टिविटी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सब्जेक्टिविटी नहीं होता। अच्छे परीक्षण के लिए सब्जेक्टिविटी सही नहीं होती और वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी यह होनी चाहिए अच्छे परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 24। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता स्तर के बराबर लोड दिया जाए? यानी जितना प्रतियोगिता का लेवल है उतना ही उसको लोड दिया जा रहा है यानी एथलीट को। तो ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होती है इनमें से? ऑप्शन है हमारे ए पिरामिड ट्रेनिंग, बी पैरालफ्ट ट्रेनिंग, सी टेम्पोलफ्ट ट्रेनिंग।
तो उस ट्रेनिंग का नाम है टेम्पल ऑफ ट्रेनिंग, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, टेम्पो प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है हमारे ए जैक डेनियल, बी आर्थर लेडियार्ड, सी ग्रेसलर। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैक डेनियल। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।